अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 17 सॉल्व कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, लाइट वेव्स इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5 × 10⁻⁷ मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 1 मीटर। ये फिगर आपको याद हो गया होगा, ये स्लिट्स के बीच की सेपरेशन वो हमको दी हुई है, वेवलेंथ जो यूज हुई है वो भी दी हुई है, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स मतलब कैपिटल डी भी गिवन है। पार्ट ए में हमको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो जब इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो होता है तब सी पर पहुंचने वाली ये दोनों वेव्स क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, तो पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, और यहां पर फॉर्म होता है ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा फॉर्म होता है। जैसे येलो कलर की लाइट हमने यूज की है तो यहां क्या बन जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको बी नॉट बोल देते हैं, बी नॉट जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद यहां पर फॉर्म होगा जिसको मैं येलो से नहीं बना रहा हूं, इस कलर से बनाऊं कि वो दिखे भी और पर आपको वो मानना है कि डार्क है ये यहां पर, तो यहां फॉर्म होगा फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ऑर्डर आप देख रहे हो जीरो, ये फर्स्ट, फिर यहां फॉर्म होगा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर क्या फॉर्म होगा, फिर होगा सेकंड ऑर्डर डार्क। इस तरह से यहां पर फ्रिंजेस होती हैं और नीचे भी होती हैं। तो ध्यान से आपने सुना होगा, यह है जीरोथ ऑर्डर ब्राइट, फिर फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर सेकंड ऑर्डर डार्क, अब क्या आएगा, अब आएगा सेकंड ऑर्डर ब्राइट, मतलब ब्राइट का जो ऑर्डर है उसको हम इस तरह लिखते हैं, बी नॉट, बी वन, बी टू एंड सो ऑन, और डार्क का जो होता है ऑर्डर उसको ऐसे लिखते हैं, डी वन, डी टू, डी थ्री एक्सेट्रा। ये आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब पहले कौन आता है, पहले आता है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इसको छोड़ दें तो, क्योंकि यहां पर तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के पहले। फिर ये वाई क्या है, तो ये है, क्या है, ये सेंट्रल फ्रिंज से पी की लीनियर डिस्टेंस या लीनियर पोजीशन, इसको कहते हैं लीनियर पोजीशन ऑफ अ फ्रिंज। और शर्तें वगैरह लगाकर मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि वाई एन डार्क, ये इसकी पोजीशन क्या होती है, तो ये होती है एन माइनस हाफ टाइम्स बीटा। इस क्वेश्चन के बहाने मैं आपको ये बताना चाहता हूं किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन कहां से, सेंट्रल फ्रिंज से, वो होती है एन माइनस हाफ बीटा, और एन कितना होता है, तो एन होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाय द वे ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको, वाई एन ब्राइट, वाई एन ब्राइट में सीधे बोलना एन बीटा, एन बीटा, एन माइनस हाफ बीटा, बीटा क्या है, यह है फ्रिंज विड्थ, और यहां क्या आएगा एन बीटा, और एन कितना होता है, तो ब्राइट के मामले में ये होता है 0 1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब ये पूछा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से, क्योंकि फ्रिंजेस तो इस तरह की बनती हैं, अभी अगले क्वेश्चन में बताता हूं आपको। तो ये मान लो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये आधी ब्राइट और आधी डार्क हुई, मतलब ये बीटा बाय टू होगा, तो बीटा बाय टू हमको फाइंड आउट करना है, उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अब इसको तो हटा दें क्योंकि बात तो यहाँ डार्क की हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमम से, सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से फर्स्ट मिनिमम के सेंटर तक की डिस्टेंस वो होती है बीटा बाई टू, वो इससे भी निकल आ सकती है। आप डी वन की पोजीशन फाइंड कर लो यहां से, वही हमको फाइंड आउट करना है, तो डी वन कितना होगा सोच कर देखना इस बारे में, वाई वन डी कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या डालना है आपको, वन, वन माइनस हाफ इज हाफ यानी बीटा बाई टू। अब बीटा हमको मालूम है, यही हमारा आंसर है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू स्मॉल डी, मतलब फ्रिंज विड्थ का आधा,
फ्रिंज विड्थ का आधा। अब बस वैल्यूज डालनी है। लैम्डा इज गिवन टू बी 5 × 10⁻¹⁷ मीटर, कैपिटल डी वो 1 मीटर दे रखा है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, मतलब -3 ऊपर जाएगा, -4 बन गया, 5 × 10⁻¹⁴। यहाँ एक और आएगा 2 भी आएगा, और 2 आएगा तो ये 1/2 कितना होगा, 0.5 यानी, अब इसको मैं मिटाकर दोबारा लिख देता हूँ, ये 2 भूल गया था मैं, 2 भूलना नहीं है, तो ये हुआ 5/2 यानी 2.5 × 10⁻⁴। ये आंसर आएगा किस में, मीटर में। फिर आपको जिस भी यूनिट्स में पूछा उसको आप कन्वर्ट कर लेना, इसमें पूछा हुआ है तो इसको पूछा हुआ है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर के लिए क्या करोगे आप, मिलीमीटर के लिए 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻⁻¹ होगा यानी 0.25 मिलीमीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमम तक की डिस्टेंस ये होगी 0.25 mm। तो बाद में तो आपको याद हो जाएगा कि सीधे β/2 लगाना, आंसर आ जाएगा। अब पार्ट बी में क्या पूछा है, ये तो था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 cm विड्थ ऑन द स्क्रीन। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, किस डिस्टेंस में, वो 1 cm में, उसको मान लेते हैं x, 1 cm में कितनी फ्रिंजेस, तो बस x को बीटा से डिवाइड कर देना है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है, फ्रिंज विड्थ भी एक लेंथ होती है, तो हमको बताना है कितनी फ्रिंजेस समाएंगी किसमें, 1 cm में, तो 1 cm/β कर देना है, बस ये आ जाएगा आंसर। तो x कितना है, x ये 1 cm दिया हुआ है, यस 1 cm, और फ्रिंज विड्थ कितनी आई है, फ्रिंज विड्थ नहीं निकाली हमने, फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ेगी, लैम्डा डी अपॉन डी ये होगी फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी अपॉन डी मतलब ये 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो ये होगा 5 × 10⁻¹⁴ -4, ये मीटर, और मीटर का बनाएंगे सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर 10⁻², मतलब ऊपर जाकर वो 100 हो जाएगा, 100/5, मतलब आंसर आ गया 20। बेसिकली आपको करना क्या है, गिवन लेंथ को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देना है, बाकी तो मैथ्स है। तो 20 इसका आंसर है, आसान क्वेश्चन है, पर ये सेटअप आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो, और ये फ्रिंजेस कैसे बनती हैं वो भी आपको मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रिंज विड्थ नापते कैसे हैं, क्या क्या याद आपको रखना है, उसकी बात अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।